हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश दोस्तों की जैसा कि आपको पता है, हम डेली दैनिक जागरण का एक एडिटोरियल लेके चलते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो दोस्तों जो आज का एडिटोरियल है वो है कश्मीर में नए नेतृत्व की दरकार। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है जब से जम्मू कश्मीर राज्य बना है तब से दोस्तों इसमें आए दिन जितनी प्रकार की हिंसाएं हैं, उन्माद हैं, जिस वजह से दोस्तों वहाँ पर जिस प्रकार की हिंसाएं की गई हैं, खासकर अगर हम देखें पंडितों के बारे में। कश्मीर में एक समय था कि वहाँ पे बाहुल कश्मीरी हुआ करता था, बहुसंख्यक हुआ करते थे वहाँ पे कश्मीर में पंडित ब्राह्मण। पर दोस्तों कुछ समय बाद ऐसा आया कि वहाँ के कुछ लोग, आप कह सकते हैं मुसलमानों को ही ले लीजिए, जो लोग पाकिस्तान की मानसिकता से प्रायोजित हो रहे थे, स्पॉन्सर हो रहे थे, 5 लाख कश्मीर परिवारों को किस प्रकार से मारा पीटा गया, उनको भगा दिया गया। और दोस्तों आज स्थिति वो है कि वो दर बदर ठोकरें खाकर किसी एक राज्य में किसी एक शहर से दूसरे शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं। आज भी इतनी प्रबल समस्या है कि ये समस्या किसी भी देश, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संघ, किसी भी राज्य, किसी भी शासक को नहीं दिखता है। ये बहुत ही प्रबल मुद्दा है कि किसी को किसी के घर से निकाल दिया गया और आज तक उसके बारे में नहीं सोचा गया। और दोस्तों कौन जिम्मेदार है जो आज कश्मीर जैसे राज्य में जिस प्रकार से उन्माद और अशांति फैली है, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं और वो चाहते क्या हैं? जिस प्रकार से आपको पता है उमर अब्दुल्ला हैं, बार बार अपने बयानबाजी में किस तरह से कह देते हैं कि जो कश्मीर है, कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए, अलग राष्ट्रपति होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखते हैं कश्मीर को। और इसी वजह से दोस्तों आए दिन जहाँ वहाँ पर यूथ हैं उनको गुमराह किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उनमें सक्रिय किया जाता है, जो हमारे देश के लिए खतरे का विषय है। अगर हमारे देश का जो यूथ है, जो युवक है, अपनी ऊर्जा को इन कार्यों में लगाएगा तो दोस्तों किसी भी देश का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो विकास के कामों में लगनी चाहिए, न कि विनाश के कार्यों में। चलिए तो आगे थोड़ा सा देखते हैं इसमें। जैसा कि लिखा है, बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के लिए अलग राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री पदों की मांग कर चुनावी माहौल को गर्म करने का काम किया। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी यदा कदा भारत विरोधी बयान देते आए हैं। आपको बता दें यही फारूक अब्दुल्ला है, इनके शब्दों के अगर ऊपर जाएंगे ना तो आप कभी बिलीव नहीं करेंगे। ये बंदा जब दिल्ली में रहेगा तो कुछ और बोलेगा, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री ही जम्मू कश्मीर की आवाम को सुख और शांति दे सकते हैं, विकास की बातें कर सकते हैं। पर ये बंदा जैसे ही पश्चिम बंगाल जाएगा वहाँ पे इसके बोर अलग जो हो जाएंगे, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में जाएगा तो वहाँ पे पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। तो ये ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कश्मीर के बारे में एक सच्चाई है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। 14 अप्रैल को ही फारूक ने कहा, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा था और उनके पिता शेख अब्दुल्ला ने राज्य का भारत में विलय कराया। देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई के योगदानों को किस प्रकार से यहाँ पे खारिज किया जा रहा है और अपने पिता को यो योगदान दिया जा रहा है जिसके हकदार नहीं थे। ये ऐसे लोग तो दोस्तों कश्मीर विरोधी छवि के लोग थे, फिर भी देखिए आज किस तरह से अपने पिता को उस तरह का योगदान दे रहे हैं जो योगदान देना चाहिए सरदार वल्लभ भाई जी को। उनका यह बयान ऐतिहासिक रूप से गलत है क्योंकि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय में शेख अब्दुल्ला की कोई भूमिका नहीं थी। राज्य का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह द्वारा विलय की संधि पर हस्ताक्षर से संभव हुआ था। उमर अब्दुल्ला की तरह महबूबा मुफ्ती भी अनुच्छेद 35 और धारा 370 को खत्म करने की स्थिति में गंभीर नतीजे भुगतने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने चर्चा किया था कि 370-35A जो धारा है वो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक अलग थलग कर दी है, हमारे राज्य जो जम्मू कश्मीर है उसको एक तरह से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखते हैं। तो इस वजह से अगर हम वहाँ पे चाहते हैं कि सुख और शांति विकास हो तो 35A और 370 खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो अनुच्छेद 35A है इसमें तमाम तरह के वो हिंदू हैं जो बहुत पहले पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे, आज भी वहाँ के स्थानीय चुनाव में वो भागीदारी नहीं ले सकते हैं, किसी प्रकार का उन्हें प्रिविलेज नहीं दिया जाता, आरक्षण नहीं दिया जाता। तो हमारे देश के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो नागरिक होते हुए भी नागरिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 35 ये वहाँ पर चल रहा है और धारा 370 जैसा कि आपको पता है ये
ऐसी जड़ है जिसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक कश्मीर की समस्या का हल होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जम्मू कश्मीर का भारत से रिश्ता खत्म हो जाएगा। वास्तव में जम्मू कश्मीर की समस्याओं की जड़ें तीन सियासी खानदान से जुड़ी हैं, एक नेहरू गांधी परिवार, दूसरा अब्दुल्ला परिवार, तीसरी मुफ्ती परिवार। समस्याओं का एक सिरा पाकिस्तान से भी जुड़ा है। 1946 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपने मित्र शेख अब्दुल्ला का खुला समर्थन किया। यह वही अब्दुल्ला थे जिन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग की तर्ज पर 1932 में आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अलग इस्लामी झंडा भी पेश किया। बाद में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का लाबदा उड़ने के लिए अपने संगठन से मुस्लिम नाम हटाकर 1939 में उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया। नाम बदलने के बाद भी उसका इस्लामी स्वरूप कायम रहा। जब राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण महाराजा हरि सिंह ने, पता होगा दोस्तों, जैसे जो रियासतें थीं उस समय तकरीबन 542 रियासतें थीं इसी के नियर अबाउट, तो कहा गया कि जो कह सकते हैं जो रियासतें थीं या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं या तो भारत के साथ मिल जाएं या तो अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखें। तो राजा हरि सिंह ने कहा मैं अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखूँगा। पर कुछ दिनों बाद दोस्तों पाकिस्तान के जो कबीलाई के रूप में जो आर्मी थी आई उस पर अटैक कर दी वहाँ की आवाम पे, कश्मीर की। उनका कहने का ये मतलब अगर हम ऐसे करेंगे तो ये लोग डर जाएंगे, उसके बाद हमसे आके मिल जाएंगे। यह एक भयावह भूल थी। डीपी मिश्रा को प्रेषित एक पत्र में सरदार पटेल ने लिखा, उन्होंने हाल ही में कई ऐसे काम किए जिसमें हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। कश्मीर उन्होंने जो कदम उठाए वे भावनात्मक आवेग का परिणाम है। इसके हालात दुरुस्त करने के लिए हम पर दबाव बढ़ गया है। सितंबर 1947 में हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय की पेशकश की, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि नेहरू न केवल अब्दुल्ला की रिहाई बल्कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद पर उनकी ताजा पोशी भी चाहते थे। महाराजा को यह मंजूर न था कि पाकिस्तान ने सितंबर 1947 में जम्मू कश्मीर पर हमले की योजना बनानी शुरू कर दी। पाकिस्तान हमले की योजना से संबंधित एक पत्र गलती से मेजर कलकत के हाथ लग गया, जो उस समय बन्नू में तैनात थे। वहाँ से भागकर दिल्ली आए और शीर्ष एजेंसियों को अवगत कराया। यह जानकर पटेल और तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह घुसपैठियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर सीमा पर सेना भेजना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इनकार कर दिया। दोस्तों ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। जो नेहरू थे, देखिए आप उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते, वो बहुत ही उदारवादी छवि के थे। कहने का मतलब ये है कि ये सोचते थे ना, जिस पाकिस्तान को हम इतनी बड़ी पृष्ठभूमि अगर दे सकते हैं तो जम्मू कश्मीर का अगर छोटा सा भाग इन्होंने ले ही लिया है तो फिर क्या किया जाए। क्योंकि होता नहीं कभी कभार, जिस स्तर पर ये जाके सोच लेंगे हमारे आने वाली पीढ़ियां नहीं सोच पाएंगी। अगर आपके परिवार में जैसे कि आपके पिताजी के दो भाई हैं, बंटवारे के वक्त हमेशा यही होता है दोस्तों, कभी 10-9 हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सौहार्द हो, जो समन्वय और दोनों भाइयों में रहा हो, आने वाली उनकी पीढ़ियाँ भी बनाए। हो सकता है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हों उनके बच्चों के बच्चे इस चीज़ को सहन ना कर पाएँ और वो डिमांड करने लगे, नहीं उस समय आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली थी मुझे भी बराबर दो। क्योंकि उस समय वे संवेदनाएँ नहीं रहेंगी, वो भावनाएँ नहीं रहती हैं, सारी चीज़ें बहुत पहले मर चुकी होती हैं। तो ऐसे में क्या है, ये जो मुद्दा है गंभीर बन जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं, देखिए जब 1972-71 में, 71 का मान के चलिए, जब बांग्लादेश में युद्ध हुआ था तो हमारे जवानों ने, हमारे देश के जो सैनिक थे, तकरीबन 100,000 सैनिकों को मजबूर कर दिया आत्मसमर्पण करने में। अगर इंदिरा गांधी चाहती, अगर 72 घंटे और उस युद्ध को जारी रखती ने, तो दोस्तों 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में आ जाता कि गिलगिस्तान बलूचिस्तान छोड़कर भी उसे भागना पड़ता। और पीओके की तो बातें छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो निर्णय लिया गया कहीं ना कहीं गलत है, हम मानते हैं, पर दोस्तों आज हमें ज़रूरत है युद्ध की नहीं। जो लोग युद्ध की बात करते हैं कभी जाके देख लीजिएगा, अब वो युद्ध नहीं है कि नहीं आप मशीन गन से फायर कर रहे हैं। आज अगर युद्ध होता तो वो स्थिति आएगी ना, उस देश के लोग बचेंगे ना हमारे देश के लोग बचेंगे। क्योंकि जितने भी राष्ट्र हैं और पाकिस्तान खास करते वो परमाणु संपन्न है। तो देखिए अगर चीज़ों का निपटारा अगर एक बेंच पर हो जाता है तो फिर खुले में इस प्रकार की चीज़ें क्या करना कि नहीं, युद्ध सारी चीज़ों का क्या कहते हैं ना, रास्ता नहीं होता। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं दोस्तों आप देखेंगे युद्ध होने के बाद लास्ट में यही होता है कि एक टेबल के
ऊपर आकर बैठ के मध्यस्थता होता है, समझौता होता है, तो ये चीज़ें पहले क्यों न कर लिया जाए। विनाश के बाद दोस्तों ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है। तो आज का इसी में है दोस्तों। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं, फिर सवालों से जूझता सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है रंजन गोगोई के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगे हैं वो आरोप कोई और नहीं दोस्तों, उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय की एक पूर्व कर्मचारी ने लगाया है। उनका कहने का मतलब ये है, ये मुझे मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न करने की कोशिश किए हैं। तो इस प्रकार अगर सवाल उठता है जो हमारे सुप्रीम हैं मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, तो हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो उसमें बड़ा गतिरोध आ जाता है। जी दोस्तों, यही रंजन गोगोई थे। कुछ दिन पहले 4-5 लोग आपको सुने होंगे किस प्रकार से रोड पे आके कह रहे थे कि न्यायालय खतरे में, बचाइए। दीपक मिश्रा जो है कि न्यायालय को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता प्रणाली को नष्ट कर देना चाहते हैं, तो उसमें आपके रंजन गोगोई जी भी थे। तो जिस प्रकार से इन्होंने सार्वजनिक गुहार लगाई थी, सवाल बहुत पेचीदा है कि ये अपना ही जिस एलिगेशन में फंसे हैं उसकी सुनवाई खुद किए हैं शनिवार के दिन, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और फिर उसके बाद एक अलग पीठासीन बनाया गया कि नहीं, इसकी सुनवाई कोई और करेगा, तो उसमें यह आरोप लगाया गया महिला और वकील का कि ये जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं ये इनके खास हैं, तो हमेशा जो है उन्हीं के पक्ष में सुनाएंगे, फिर उनको हटाया गया। तो आज हमारे देश को ज़रूरत जो है ना, हम आपको बता दें कि देखिए, किसी प्रकार का अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो पहले आप देखें कि सामने वाला कौन है, किस पद पे है, किस प्रतिष्ठा पे है। ये जो पद है दोस्तों कोई सामान्य पद नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो सबसे पहले इसकी जांच परख होती, तब उसके बाद आप सार्वजनिक कर सकते थे। इससे क्या होता है, आदर्श आचार संहिता लगा, तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इलेक्शन कमीशन को जो निर्देश देना होता है, तमाम तरह के उन्माद देश के अंदर फैल रहे हैं चूँकि आए दिन हिंसा हो रही है चुनाव के दौरान। तो इस प्रकार आप किसी के ऊपर अगर आरोप लगा रहे हैं तो गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। न्यायाधीशों को इसके लिए पंच परमेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे न्याय केवल करते ही नहीं बल्कि करते हुए दिखते भी हैं। न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद कहा था कि मृत्युदंड जैसे जरूरी मामलों पर ही त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने मामले में जिसमें एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, छुट्टी के दिन रवि शनिवार को विशेष न्यायिक सुनवाई का फैसला किया। इसके चलते यह सवाल उठा कि उन्होंने महासचिव से स्पष्टीकरण दिलाने के बजाय उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की बैठक क्यों नहीं बुलाई। जी हाँ दोस्तों, सच तो यह है कि अनेक सवाल उठे हैं रहे हैं जब से मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सबसे प्रमुख सवाल यही है कि जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर व्यक्तिगत सफाई देने के बजाय खुद ही सुनवाई करने का फैसला क्यों लिया। करीब एक साल पहले जस्टिस गोगोई समेत 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर मनमानी रवैये का आरोप लगाया था, याद होगा आपको। उन आरोपों के तहत यह कहने की कोशिश की गई थी कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश स्थापित न्याय प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम तरह की इसमें देखिए आज कुछ है नहीं, 2-3 दिन से जो दे रहा है एडिटोरियल में बस वही आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, जब इसमें नया आएगा तो दोस्तों उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही देखना है किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट उन सवालों से जूझ रहा है जिसके ऊपर उसने आरोप एक महिला ने लगाया है, तो वो इस उन्हीं सवालों से जूझ रहा है क्योंकि उसके पास साक्ष्य नहीं है। किसी महिला का अगर रेप होता तो चलिए हॉस्पिटल भेजते हैं, उसके बारे में पुष्टि होती, प्रमाण मिलता। अब यहाँ पे देखिए, बस एविडेंस के मामले में कुछ नहीं इनके पास है, बस जो बयानबाजी मीटू समझ रहे हैं ना, समझ में नहीं आता है कि जो पश्चिमी देशों की जो सभ्यताओं की जब हम बात करते हैं तो सीरियसली हम कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यताओं की वजह से जो हमारे भारतीय जो कल्चर हैं, जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको लगता है पश्चिम सभ्यता के लोग जितने ओपन खुले तौर पर होते हैं हर एक चीज़ में, देखा जाए ड्रेस तक देख लीजिए, यहाँ के परिधान में कितना अंतर वहाँ के परिधान में अलग है। तो दोस्तों ऐसे सार्वजनिक स्तर पर जाके अपने आप को ही सबके सामने रख देना कि नहीं मेरे ऊपर इस प्रकार की यौन हिंसा हो, यह सही है कि गलत, और आपके ऊपर आपके पास एविडेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है, खाली जो आप बोल दिए वही हो गया। तो कभी कभार क्या होता है, इसका समाज में मिस यूज़ भी होता है, जिस वजह से आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश से जूझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।